आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी नेताओं के समूह के प्रमुख नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना निम्न में से किसके विरोध में किया था। तो आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हुआ कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया, एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा, किसके विरोध में हुआ। और तीसरा, क्या इसका उद्देश्य था। तो आपके पास इसका आंसर है नेहरू रिपोर्ट। सही आंसर है नेहरू रिपोर्ट। आप सबको मालूम है कि जब साइमन कमीशन '28 में लौट गया तो इंग्लैंड के संसद ने, वहाँ के कुछ एमपी थे, उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया कि भारतीय को हम जब संविधान बनाने के लिए कोई आयोग को भेजते हैं तो उसका बहिष्कार करते हैं, और आज तक अपने तो कभी संविधान बनाया नहीं। तो उन्होंने चैलेंज किया भारतीयों को कि भारत में किसी के पास है ऐसी शक्ति तो संविधान बना के दिखाए। अखिल भारतीय कांग्रेस ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू को कहा कि मान लीजिए कि भारत अगर कल स्वतंत्र होता है तो भारत का संविधान कैसा होगा, आप तैयार कीजिए। मोतीलाल नेहरू ने दो लोगों के सहयोग से भारत के संविधान को बनाया। इसमें सुभाष चंद्र बोस और तेज बहादुर सपरू थे, और उन्होंने कांग्रेस को अपना रिपोर्ट सौंप दिया। इसी को नेहरू रिपोर्ट कहते। तो दूसरा क्वेश्चन हुआ कि भाई नेहरू रिपोर्ट कब बना, तो 1928 में। किसने बनाया, तो मोतीलाल नेहरू, और उनके सहयोग देने के लिए सुभाष चंद्र बोस और तेज बहादुर सपरू। इसमें क्या था कि कुछ चीजें थी जिसका नेहरू जी या कट्टरपंथी नेता विरोध कर रहे थे, तो इसी के विरोध में जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया था 1928 में। एक क्वेश्चन हो गया। नेहरू रिपोर्ट भी आप जान गए, नेहरू रिपोर्ट का निर्माण किसने किया ये भी जान गए, मोतीलाल नेहरू को सहयोग किसने किया, क्वेश्चन आ जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था, उनको सहयोग किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस और तेज बहादुर सपरू। तो ये सब आपके क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ढंग से देखेंगे तो आपके परीक्षा का 5-6 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन बना कि इंडिया, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू। किसके विरोध में किया, तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। नेहरू रिपोर्ट कब बना था, 1928 में। किसने बनाया था, तो मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, पिता ने बनाया, पुत्र ने विरोध किया। और कौन नेहरू रिपोर्ट बनाने में उनको सहयोग किए ये भी पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया कि नहीं किया। तो मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। मोहम्मद अली जीना ने नेहरू रिपोर्ट को विरोध किया, और 14 सूत्री
बिंदु का सुझाव दिया कि आप इसको नेहरू रिपोर्ट में शामिल करेंगे तो हम मानेंगे। आजादी मिलना नहीं था तो नेहरू रिपोर्ट डस्टबिन में चला गया तो 14 सूत्री कार्यक्रम भी समाप्त हो गया। हमको लगता है कि अब आपको इससे कोई क्वेश्चन डाउट नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एम एन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका, एम एन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के साम्यवादी विचारधारा के भारत के बहुत बड़े नेता थे और उनकी जो पत्रिका थी बैगाट, तो एक लाइन का वन वर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद करना है। इसमें कुछ कुछ पत्रिका समाचार पत्र पर क्वेश्चन होते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र शुरू किया था, वैसे एक ये पत्रिका है मैडम भिकाजी कामा ने वंदे मातरम नामक पत्रिका शुरू किया था। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, बैठ के रटने की जरूरत नहीं। देखिए पढ़ने सारे बच्चे आते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, बिहारियों का श्रृंगार है मेहनत करना, हम लोग मेहनत से पीछे नहीं हटते, लेकिन सबका रिजल्ट नहीं हो, तो पढ़ाई के साथ साथ आपके पास योजना होना चाहिए कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी कमी क्या है, उस पर काम कर। मानव मनोविज्ञान है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, मजबूत है, उसको बार बार पढ़ने का मन करता। लेकिन मान लीजिए कि आपका विज्ञान का विषय है कमजोर है, मन नहीं लगता, आप साइंस के स्टूडेंट है, इतिहास में मन नहीं लगता, तो भाई मन नहीं लगने से रिजल्ट तो नहीं होगा। आपका विज्ञान के छात्र है, विज्ञान अच्छा है तो ठीक है, उसको थोड़ा कम पढ़िए, इतिहास में मन नहीं लगता है तो इतिहास में बार बार पढ़िए। देखिए किसी चीज से डर के जितना भागिएगा वो इतना आपको डराएगा, और डर का जब डट के सामना कीजिएगा तो आपसे डर भागेगा। बेसिक फॉर्मूला जीवन का है, मेहनत कीजिए, भगवान में भरोसा रखिए, रिजल्ट कहीं नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए इसका डेट याद होना चाहिए, लखनऊ समझौता है 1916, लखनऊ में समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। यहां देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है, डेट कब था तो 1916, अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के आईएनसी के, अंबिका चरण मजुमदार, ठीक है। ये जो लखनऊ समझौता हुआ था इस पे हस्ताक्षर किसने किया था? तो कांग्रेस के तरफ से बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के तरफ से मुहम्मद जीना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्वैत शासन पद्धति 1919 का है, रॉलेक्ट एक्ट 1919 का है, लेकिन ये पहले है ये बाद में, बंगाल बंग भंग, बंगाल का विभाजन 1905 है। तो ये आपका बड़ा आसान अब हो गया। सबसे पहले देखिए 4 नंबर बंगाल का विभाजन, 3 नंबर रॉलेक्ट लखनऊ समझौता, 3-4 देखिए एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर होगी।
कुछ नहीं करना, ठीक है। और इस सब क्वेश्चन में जो पार्ट आप नहीं जानते उसको प्लीज अपने सेल्फ डायरी में नोट्स में लिखिए और उसका रिवीजन कीजिए, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान क्या था? तो पूर्वी बंगाल में, आज के समय बांग्लादेश, यहां पर आतंकवाद थी, क्रांतिकारियों ने पहला डकैती किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, अगर नहीं बताया जाए तो मैक्सिमम बच्चे साबरमती आंसर कर दे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है डांडी। डांडी से सविनय अवज्ञा मतलब विनम्रता के साथ अंग्रेजों की बात नहीं मानना, समझिए बात। अंग्रेजों का बात क्या था? समुद्र से के पानी से नमक बनाने का अधिकार उस समय सिर्फ अंग्रेजों के पास था, भारतीयों के पास नहीं। महात्मा गांधी ने विनम्रता पूर्वक समुद्र के पानी से नमक बनाकर गुजरात के डांडी में नमक कानून को तोड़ा था, तेही से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट की शुरुआत। अब देखिए, ये महात्मा गांधी का एक इम्पोर्टेंट आंदोलन, इससे आपको ढंग से इसको पढ़ लेना चाहिए कि इससे क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। अब देखिए, ये कब शुरू हुआ पहला चीज, तो 1930 को। कब? 12 मार्च। कहां से शुरू हुआ? साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी जाने की यात्रा शुरू की, वहां कोई कानून नहीं तोड़ा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुआ था। अब इनके साथ जब साबरमती आश्रम से चले तो 78 लोग थे, इसमें दो लोग महत्वपूर्ण थे, विनोबा भावे और सरोजनी नायडू, दो लोग महत्वपूर्ण थे। बिहार के दरभंगा के भी एक करो बाबू थे, धरनीधर। ते हुआ ए 6 अप्रैल को, मतलब 24 दिनों में, कहीं कहीं दिन का अंतर आता है, 23 दिन 22 दिन कह देता है, आप जोड़ लीजिए, 12 मार्च से 6 अप्रैल आप जोड़ सकते, 240 मील की दूरी तय करके महात्मा गांधी डांडी पहुंचे थे और नमक इन्होंने समुद्र के पानी से बनाया। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को डांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह भी कहते, समझिएगा बात। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के डांडी यात्रा को नेपोलियन के पेरिस मार्च से तुलना किया। जब 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताबास तैयब जी। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन हैं
आप उसको एक जगह इकट्ठा कीजिए और फिर सविनय अवज्ञा से कोई क्वेश्चन आता है तो आपके परीक्षा में नहीं छूटे। इसमें बिहार में पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में शुरू हुआ। इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, अंग्रेजी में इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, आज का जो सिंध, यहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफार खान ने किया था। समझ रहे बात को? खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान कहते, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, जनरल जीके का क्वेश्चन, खान अब्दुल गफार खान प्रथम भारतीय विदेशी थे, सॉरी, जिनको भारत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान भारत रत्न दिया गया। इन्होंने खुदाई, खिदमतगर नामक संस्था बनाया था और इस पार्टी के सभी लोग लाल कमीज पहनते थे, रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते थे। तो सारा इन्फॉर्मेशन इससे हुआ। समझ रहे बात को? तो इस पे जरा काम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर जो है सही सुमेलित नहीं, तो जमुनालाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नेहरोजी बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा। ये गलत है, सत्यशोधक सभा या सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, जिनकी किताब थी गुलामगिरी, ये महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रभावशाली समाज सुधारक थे। समझ रहे बात को? तो याद रखना है, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के थे, ऐसा नहीं कि फीमेल थी, और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। किताब का नाम है गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 के सारा बंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो एक लाइन में इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल। गुजरात में हुआ था कि किसान कोई कर नहीं दे, और उस आंदोलन का नेतृत्व हमारे लौह पुरुष आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो सही आंसर है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में सी आर दास, चितरंजन दास,
और मोतीलाल नेहरू ने किया था, याद रखिए। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नेहरूजी के उत्सर्जन के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते, समझ रहे बात को? ए, क्वेश्चन है कि कैसे धन भारत से लूट के अंग्रेज ले जा रहे थे, ये सिद्धांत था थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, तो कौन विश्वास नहीं करते थे? तो आंसर है एमजी राणा डे। दादा भाई नेहरूजी की जब बात आती है तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते, बहुत सारे क्वेश्चन बनते। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मैं एक चीज आपसे डिस्कस कर रहा था कि जिस सेक्शन को आप पढ़िए शिद्दत से, इत्मीनान से, उसको डिटेल में पढ़िए। क्या क्वेश्चन पूछेगा ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। अब हमने यहाँ कर लिया कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, आप जान गए दादा भाई नेहरू। वहाँ परीक्षा में क्वेश्चन चेंज कर देगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ये जनरली किताब में भी कम मिलता। दक्षिण भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते, तो डॉक्टर एस सुब्रमण्यम अय्यर को, ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन तो सुब्रमण्यम अय्यर। इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड लेडी, ये तो मैन का बात हुआ, किसे कहते, तो ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा असफ अली को कहते। अब समझिए इससे तीन क्वेश्चन बनते ग्रैंड से, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया सुब्रमण्यम अय्यर, और ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा असफ अली। तो यहां आपका ये तीनों क्वेश्चन हो, छूटेगा ही नहीं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था, पॉलिटी का क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल से, समझ रहे बात को, पश्चिम बंगाल से। द अनार्किल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते थे, तो रॉलेक्ट एक्ट। इसी को न वकील न दलील न अपील कल नियम का, इस एक्ट में था कि कोई भी अंग्रेज पुलिस अधिकारी किसी भी भारतीय को बिना दोष लगाए गिरफ्तार कर सकता था और जेल में डाल सकता, समझ रहे बात को। इसी के तहत पंजाब के दो महत्वपूर्ण नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया, जो जालियांवाला घटना का कारण बना। कह रहा है कि 1930 से 32 के अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं के बीच में लंदन में हुई बैठक का प्रायः प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत है, क्योंकि इसका आंसर है
कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने दो में भाग लिए, नहीं, राष्ट्रीय तीन हुआ 1930, 1931, 1932। राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ दूसरा में भाग लिया, और इसमें कौन भाग लिए थे? एमके गांधी, महात्मा गांधी, उनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू थे, बाकी तीसरा में और पहला में कांग्रेस भाग नहीं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया। इस समय इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड था। निम्नलिखित में कौन से कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे? तो समाजवादी का नाम आता है तो आचार्य नरेंद्र देव, समाजवादी में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, तीन नेताओं का नाम आता है जो सबसे महत्वपूर्ण थे, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। एक कुछ मैच करना है, एक किताब का नाम है, पहला है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसका मैचिंग है ए नेशन इन द मेकिंग, समझ रहे बात को। दूसरा है एमके गांधी, हिंद स्वराज, देखिए यहां भी A4 B1 इससे पता नहीं चल रहा है। अब तीसरे में आएगा सुभाष चंद्र बोस, तो ये है दो। इंडिया स्ट्रगल, लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफी ऑफ राइटिंग्स, तो आपका आंसर हो जाएगा A4, B1, C2, सी आंसर। आज इतना रहने दीजिए, कल और ये अपना चलेगा कंटिन्यू, ठीक है। थैंक यू, कल फिर मिलिए, फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।